नमस्कार दोस्तों, UPPCS 2023 प्री को देख रहे थे हम। RO ARO और UPPCS 2024 को दृष्टिगत रखते हुए देखिए, पेपर हाल फिलहाल जितना होता है उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी सिलसिले में अभी हमने APO का पेपर भी देख लिया है जो 7 जनवरी 2024 को हुआ है, और ये हम PCS 2023 का पेपर देख रहे हैं। RO के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, PCS के लिए भी, और आगामी अन्य परीक्षाएँ जो भी आयोग कराता है उसके लिए पूर्व के पेपर इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.8% वन है। दूसरा है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। अब पारंपरिक में जैसे कोयला हो गया, दहन के जो होते हैं वो पारंपरिक में हो जाते हैं, और गैर पारंपरिक में नवीकरणीय आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? अजीजुद्दीन खान ने। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो इसको हमें 23 के लिए भी देख लेना है, ठीक है। अब देखिए, 22-23 का व्यवहार में सभी के लिए गरिमा था। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकार्यात्मक निर्धनता। तो यहाँ पर 1, 2, 3 यानी कि पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता निर्धनता के प्रकार हैं। जो प्रकार्यात्मक दिया या फंक्शनल पॉवर्टी दिया वो नहीं है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और सब्जेक्टिव ये प्रकार हैं। छठवां प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या कौन सा सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, तो दोनों, यानी कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभाव और इसका उल्टा भी, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर भी प्रभाव। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो जाहिर सी बात है, प्रथम बैठक होगी उसके बाद प्रारूप समिति होगी, और ये सबसे पहली प्रक्रिया संविधान सभा की बैठक ही होना है, तो चौथा पहले आ जाएगा। इससे अपने आप में आपके 2 इलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज से ही। तो सही क्रम रहेगा हमारा 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, व्याधि यानी बीमारी और उसके फैक्टर कारक क्या हैं? पेप्टिक, पेप्टिक व्रण जो होता है या पेप्टिक अल्सर जो होता है वो हमारा हो जाएगा विषाणु यानी बैक्टीरिया। डेंगू जो होता है हमारा वायरस हो जाएगा। इसी तरह से फील पाँव या एलिफेंट फूड जो होता है वो क्रीमी से होता है, वॉर्म से होता है। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से होता है। तो इस प्रकार 4, 1, 3, 2 सूची दी हुई है, इसको मिलान करना है। तो मिराते सिकंदरी, बुरहाने माशिर ये पुस्तकें हैं, रियाजुद्दीन और रियाजुल इंशा, इसके विषय क्या रहे इस पे है? तो देखिए, ए का 4 है, यानी मिराते सिकंदरी जो है वो गुजरात विजय पर है, और बुरहाने माशिर जो है वो बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। इसी प्रकार से रियाज उस सलातीन जो है वो हमारे बंगाल का इतिहास है, और रियाजुल इंशा यानी डी का 3 है, तो महमूद गवा, ठीक है ना, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं जो व्यवहारिक तौर पर आए नहीं हैं, तो इसके लिए हिस्ट्री में या तो गुड़ पकड़ भी होनी ज़रूरी है और आपको प्रीवियस पेपर का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, तो इसे आपको याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, 2 कथन है, कथन कारण दिए गए हैं। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन कैसे बनेगा?
तो ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो अनुशीलन समिति हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दिल्ली दरबार से इस बार प्रश्न बन रहे हैं, तो तीनों दिल्ली दरबार आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुना गया है? क्रिस हिपकिंस को। निम्नलिखित में से कौन सा गुण कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक का सही सुमेलित है? तो न्याय गौतम। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1871 में लॉर्ड मेयो के समय से। संघीय बजट 23-24 की योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कथनों में कौन से सही हैं? तो ये हमारा था, केवल एक सही था। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती थी। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो तुमकुर, कर्नाटक में। कौन सी कवियत्री सही सुमेलित नहीं है? देखिए, दयाबाई विनय मलिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी स्वर्ण बेली कविता, और सही सुमेलित नहीं में गंगाबाई था, गणेश देव लीला, ठीक है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1970 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, पहला कथन है पंचायत राज के तीन स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये पंचायत राज अशोक मेहता समिति ने कहा था 1970 में। और दूसरा कह रहा है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए, ये गलत है। तो सही कथन केवल एक है, यानी उन्होंने अनुशंसा की थी कि तीन स्तर की जगह पे पंचायत राज व्यवस्था में दो स्तर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए, आगरा, बनारस और ग्रेटर नोएडा में हुई है, कानपुर में कोई भी नहीं हुई है। चरक संहिता में कितने अध्याय और खंड हैं? 120 अध्याय और 8 खंड। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? 149। mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग COVID-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, तो कौन सी है इसमें से? मॉडर्ना। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा गठन किस नेता द्वारा किया गया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी थे? राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को भागदू कहा जाता था वैदिक काल में। अब अनुच्छेद है और उनका मिलान करना है, तो इसमें आप देख लीजिए, ए का 4 है, यानी कि 324 में हमारा निर्वाचन आयोग है, 315 में हमारा लोक सेवा आयोग है, और 280 में हमारा वित्त आयोग है। SC ST कमीशन जो हमारा 338 में है, माफ़ कीजिएगा, केवल SC कमीशन 338 में है, ठीक है ना। केंद्रीय बजट से प्रश्न है 2023 में। अब देखिए, मिलिंद पन्नू, देखिए केंद्रीय बजट 2023 में इस प्रश्न को आप देख लीजिए, GDP का 3.5% घाटे के राज्यों की अनुमति। मिलिंद पन्नू, राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो प्रिंस हैरी ने लिखी थी स्पेयर पुस्तक। नीचे दो कथन कारण है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है, चीतों की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो दोनों सही और सही व्याख्या भी है। देखिए, पहले नामीबिया से चीते लाए गए थे 8, उसके बाद 12 यहाँ से लाए गए थे, और डेथ भी हो गई थी, कुल मिला के 6 चीते मर चुके हैं अब तक। डेक्कन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कथन, यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, सही कथन है, और इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, यह गलत कथन है, तो केवल एक सही है। भारत के G20 प्रतीक चिन्हों के संदर्भ में कथन पर ध्यान देना है, प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं,
दोनों सही हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कथनों पर सही नहीं है। तो फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2023 तक ई भारतीय कॉमर्स बाजार में लगभग दो तिहाई हिस्से में अपना स्थान रखेंगे, यह कथन जो है गलत था। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1, 2, 4, 3 यानी बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, उसके बाद माधव राव, फिर नारायण राव। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र डोनेट्स्क है। कथनों में कौन सा असत्य है? तो महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, यह कथन जो है असत्य था। जो सत्य कथन है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक स्थिति में हो तो स्थिति लघु ज्वार की होती है। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है और पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये गनर मेडल की किताब है। ए वी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। वे असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। दोनों कथन सत्य हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन ने विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया नेपाल में? तो यति एयरलाइन का विमान था। ग्रीन हाउस गैसों में भारत का स्थान पर था, अपडेट कर लीजिएगा इसको। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे वाटर शेड कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। इसमें कई लोगों ने यहाँ पे वेटलैंड सोचा था, तो जल विभाजक यहाँ पर होगा। यानी यह ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड वाटर शेड, जल विभाजक। मानव विकास रिपोर्ट, इसको भी अपडेट कर लीजिए। और केंद्रीय बजट का देखिए क्वेश्चन था, कुल परिव्यय में कौन सा सही नहीं है? तो ब्याज भुगतान 20% था उस समय, करों शुल्कों में रक्षा व्यय 8%, भागीदारी सब्सिडी 9%। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, किसने क्या क्या दिया है? तो देखिए, क्रम से अगर देखें तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत ये दिया है एडविन केनन ने। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत यानी सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी, तो इसे दिया है हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये थॉम्सन की है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, ये दिया है माल्थस ने। तो माल्थस का क्या है? जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, फूड सप्लाई रिलेशन, पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशन, ये माल्थस का दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो नेपेंथिस। नेपेंथिस क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी रियो ग्रैंड है, एक दर्रा जो सही सुमिलित है। तो नीति पास उत्तराखंड में है, माना भी उत्तराखंड में है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से, पोषक स्तर बनते हैं। ट्रॉफिक लेवल आर फाउंड बाई ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। अगला प्रश्न देखिए, बजट 23-24 के लिए था ये। संसद के सचिवालयों में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। यहाँ पर सम्मिलित पदों के सृजन से मतलब है क्रिएशन ऑफ सेक्रेटेरिएट फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कॉमन पोस्ट क्रिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम फर्स्ट इंग्लिश में पढ़ें तो कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर वन सेक्रेटेरिएट फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 25 दिसंबर 2022, देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, शायद एक आदमी हमें अभी अपडेट कर लीजिएगा। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है?
तो टॉक्सॉइड टीका डिप्थीरिया से बचाता है, टॉक्सॉइड टीका डिप्थीरिया से बचाता है। जलीय पौधा जिसे जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग मिलाया जाता है वो है एजोला। कथन कारण देखिए, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। बरेली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है यातना के विरुद्ध निषेध यानी प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो 20 में हमारा डबल जियोपार्डी 2 के सब आर्टिकल 2 में है और आत्मअभिशंसन प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी है और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी 1 में है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला कह रहा है महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य हो। दूसरा कह रहा है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। जी नहीं, ये प्रसाद परेंद्र रहते हैं और इसका केवल एक होगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? 2070 तक। 2070 तक हमें पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को पा लेना है 2070 तक। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची में सुमिलित नहीं है? तो तीसरी में देखिए शपथ और प्रतिज्ञान का रूप है, आठवीं में भाषाएं हैं, दसवीं में दल बदल कानून है और नौवीं में यहाँ लिखा है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये गलत है। अब SDG देख लेना है हमें। तो SDG यहाँ पर हम पहले A3 देखिए। A3 में क्या है यानी दसवां जो हमारा है वो है असमानताओं में कमी। देखिए असमानताओं को लेकर के हमारा पाँचवा और दसवां दोनों सिमिलर हैं, यानी पाँचवें में हमारा क्या है जेंडर इक्वालिटी है और यहाँ पे एंडिंग इनइक्वालिटी है। तो वहाँ पर है मतलब लैंगिक समानता और यहाँ पर है असमानताओं में कमी। तो 5 और 10 को एक साथ याद कर सकते हैं। उसके बाद SDG 13 है क्लाइमेट चेंज, हमारा जलवायु एक्शन मतलब क्लाइमेट एक्शन। तो 13 का हमारा एक हो जाएगा और C4 यानी SDG 14 हमारा है पानी के नीचे जीवन और उसके बाद है पानी के ऊपर जीवन यानी ज़मीन पर जीवन SDG 15। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। किस निम्नलिखित में से किस दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? टैक्स स्कैंडल। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? हरियाणा में। माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉयस के लिए। कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा आर्थिक क्रिया नहीं है। पुराणों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश शासकों की व्यवस्था का प्रकाश पड़ता है। दोनों सही हैं। कौन योजना एक वर्ष सही माफ कीजिएगा योजना वर्ष सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014, रूरल हाउसिंग इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम 2017। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम सतत विकास कहते हैं। उच्चतम न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए ऋण जारी करने की शक्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। दूसरा है संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। दोनों सही हैं।
निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है? इसरो और नासा। इस निम्न कौन कथन सही है? तो राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, यह कथन सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती है, जी नहीं, यह कथन गलत है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में सही क्रम क्या है? तो यूनानी शक कुछाण। किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस को आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित किया जाता है? इंसुलिन। कौन सा तत्व तो नोबेल गैस नहीं है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये हैं। एक्टिनियम नोबेल गैस में नहीं है। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ, करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता वर्ष ह्रास के लिए जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक आवास का विनाश। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जल के। सुदर्शन प्रहार राजस्थान में हुई थी। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? स्पेन और अमेरिकन्स को। भारत के प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थलों को जोड़ना है। देखिए यमुना, यमुनोत्री, इसी से आपका एक कम से कम एलिमिनेट हो जा रहा है। कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी हमारे नासिक, और महानदी सियावा पहाड़ी। तो 4, 3, 2, 1। पर्वतों को मिलाना है किस देश में है? किलिमंजारो तंजानिया, टुबकल हमारा मोरक्को, स्टैनली हमारा युगांडा, और हॉगर जो है वो अल्जीरिया में है। झील और देश का मिलान करना है, कौन नहीं सही है? देखिए मराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन यूएसए, बैकाल रूस, ओनेगा कनाडा का मिलान सही नहीं है। ओनेगा ये रूस में है, ओनेगा कनाडा में ही रूस में है। तो मराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन यूएसए, बैकाल रूस और ओनेगा भी रूस में है। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, इसके पुस्तक के लेखक विमल जालान हैं। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80, दोनों सही हैं। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में आया और तुर्की भाषा का अच्छा विद्वान था। तो ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, यानी कि मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी दोनों रेट में कमी लाना। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है राष्ट्रपति को। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करते हैं। तो ना तो एक ना तो दो। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के एक राज्य के में विधान परिषद के गठन में निम्न में से कौन कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, दोनों कथन सत्य हैं। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत हुई है? तो मोहम्मद शाह के दरबार में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं, यानी उससे पूर्व किए गए और घोषणा होने के दिन किए गए, इसकी बात कर रहा है। तो केवल एक सही है, यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य हो जाएंगे, मान्य होंगे, और उससे पहले के कार्य भी विधि मान्य होते हैं। पुरातत्व स्थल और वर्तमान में ये हैं कहाँ पे, इसे हमें मिलाना था। तो देखिए जो डीडवाना हमारा है वो राजस्थान में है, निवासा हमारा कर्नाटक में है। तो निवासा महाराष्ट्र में है, और ईसमपुर हमारा जो वो कर्नाटक में है।
डिडवान हमने आपको बताया राजस्थान में है, और गुड़ियाम गुफा हमारी जो है वो तमिलनाडु में है। तो गुड़ियाम गुफा जो हमारी है वो तमिलनाडु में है। फिल्म महोत्सव, SCO फिल्म महोत्सव 2023 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। तो दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन से कथन सही हैं? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। केवल एक कथन सत्य है, यानी कि इस मिट्टी में उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, और इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी नहीं होती है, यानी इनकी मात्रा मिलती है। और अधिकरण लिया है और संविधान में भाग मिलाना था हमें, कौन सम्मिलित नहीं है? तो अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल हमारा भाग 11 दिया था, तो ये सही नहीं मिला हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र हमारे भाग 8 में है। शेड्यूल और ट्राइबल एरिया भाग 10 में। राजभाषा हमारी 17 में है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही क्रम हो जाएगा 1, 4, 2, 3, यानी सबसे पहले ग्रेट सैंडी मरुस्थल, देखिए हमें सबसे छोटे सबसे विस्तृत बढ़ते क्रम में लगाना है। उसके बाद हमारा है गोबी मरुस्थल, फिर हमारा है अरेबियन, और फिर है सहारा। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एक क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास, संधारणीय यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर केवल एक कथन सत्य है, यानी कि बेस्ड ऑन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट्स एन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट की जब बात कर लिया है, तो उसी से हिंट मिल गया था कि दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट अपने आप गलत होगा, तो दोनों तो सही हो ही नहीं सकते हैं। खैर 106 कथन कारण दिया है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकते। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम थी? होम रूल आंदोलन, खिलाफत, जलियांवाला बाग और मोपला। तो मोपला विद्रोह 1921 का ये अंतिम था। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कीटनाशक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं जरिकोल्स यानी मरुद्भित जानवर। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। निम्न कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है, यह कथन गलत है। लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है नदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो INS वागीर को किया गया था। जनवरी में निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आलमगीरपुर। PM गतिशक्ति योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? PM गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों यानी सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, रेलमार्ग और लॉजिस्टिक के संबंध में परियोजनाएँ ढांचे PM गतिशक्ति ढांचे से जोड़ी गई हैं, तो केवल 2 सही है। मध्यान्ह भोजन योजना को PM पोषण योजना के रूप में पुनर्नामित किया गया है 2021 में।
अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा तो केवल एक कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है कि यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है जिससे प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह कथन गलत है। दूसरा है शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 30 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है जामनगर में। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हमीदा बानू बेगम, यह गलत मिला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इंसीटू संरक्षण द्वारा। खरीदादार कौन होते हैं? फरमानों को भेजने वाले को खरीदादार कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। कथन कारण देखना है हमें। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर ब्रिटिश छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कथन एक है, अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो राज्य सरकार का है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों को न्यूनतम क्षरण हो वह सतत विकास कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी 12 छोड़ आंदोलन संबंधित नहीं है? तो शांति घोष इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कल्पना बरुआ, मातंगिनी हाजरा और अरुणा आसिफ अली, ये जो है 12 छोड़ आंदोलन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? पर्यावरण संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? इगार्का रशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, मोंटेवीडियो उरुग्वे में, रोटरडैम नीदरलैंड। तो ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं सुमेलित है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका उत्तर है केवल एक, अनूठी उपहार योजना। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में है। भारतीय मूल के व्यवसायी सुनील चोपड़ा को साउथ वार के लंदन बरो में मेयर पद मिला है। तो सुनील चोपड़ा थे। कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सुमेलित नहीं है? झांसी 11 मई 1853 यह सुमेलित नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं और विक्षेपित होने का क्या कारण है? कोरियोलिस बल। देखिए, जल रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1974। अब देखिए, अगर वाटर सेस एक्ट होता तो 1970 होता, यानी अगर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट आएगा तो 77 होगा, अगर केवल वाटर एक्ट है तो 74 होगा। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, सही है। और भारत अनेक खनिजों जैसे कि लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, यह दोनों कथन सत्य हैं। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में है? समताप मंडल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करना है? देखिए, SDG, लैंगिक समानता भी है, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई भी है, और शून्य भूख भी है, यानी जीरो हंगर। विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट ILO प्रकाशित करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू रचनाकार MM किरवानी है।
और 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? तो जैनुल आबदीन। कौन सहायक नदी सही सुमिलित नहीं है? तो मालप्रभा कृष्णा है, हेमावती कावेरी है, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता महानदी, ये सुमिलित नहीं है। तो इस प्रकार आपके कुल 150 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद हम स्टाफ नर्स का पेपर को अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।